आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। भाजपा सरकार कांग्रेस के शासनकाल में प्रस्तावित योजनाओं का श्रेय ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से मसूरी में पार्किंग का निर्माण और यमुना मसूरी पेयजल योजना का शिलान्यास किया गया था और भाजपा इन योजनाओं को अपना बताकर श्रेय ले रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पर्यटन मंत्री की ओर से आनन फानन में जॉर्ज एवरेस्ट का लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में न तो सामाजिक न ही राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा सिर्फ चुनावी समर को देखते हुए आधे अधूरे कामों का लोकार्पण कर रही है। दस मार्च 2015 को या तत्कालीन या मुख्यमंत्री जो उस समय थे हमारे सम्मानित हरीश रावत जी ने ये पार्किंग की सौगात 32 करोड़ रुपए का बजट पार्क किया करके इसे सैंक्शन किया था और इसे शुरुआत करा था। पर वो एक जनता का एक मत था जिसे हमने हाथ जोड़ के स्वीकार करा कि हमारी सरकार नहीं रही। और ये जब आपका सैंक्शन हुआ था इसमें ये कंडीशन भी डाली गई थी कि ये काम 2018 मैक्सिमम 2019 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो आज आपके कल सिर्फ चुनाव को देखते हुए इसका जल्दबाजी में आपका उद्घाटन या किया जा रहा है, जबकि इसकी जो कॉस्टिंग थी वो 3 गुना ज़्यादा या बढ़ गई। आपको याद होगा अभी 5 महीने पहले यहाँ पर एक हादसा हुआ था और शहर कांग्रेस या कमेटी ने मांग की थी कि उस हादसे की जांच या कमेटी बिठाई जाए और वो हादसा क्यों हुआ वो आपका बताया जाए, ठेकेदार को लाइन हाजिर किया जाए। आज उसका जल्दबाजी में सिर्फ चुनावी शगुफे के कारण उसका उद्घाटन किया जा रहा है, पर उस जाँच या रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं करा गया कि इतना बड़ा हादसा जो हो सकता था वो टला, उसके बारे में आज ये कुछ नहीं बता रहे हैं। ये जो आपका पूरा ये प्रोजेक्ट था ये कांग्रेस की देन था, ये कांग्रेस की मसूरी की सम्मानित जनता। उत्तराखंड में कांग्रेस की ओर से सैनिकों के सम्मान में निकाली जाने वाली वीरग्राम प्रमाण यात्रा को भाजपा ने चुनावी ढकोसला करार दिया है। भाजपा का साफ कहना है कि हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले जनरल विपिन रावत का नाम भूलने वाले नेताओं की पार्टी केवल वोट बटोरने के लिए प्रणाम यात्रा निकाल रही है। बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने ऋषिकेश स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साफ तौर पर कहा कि सैनिकों का सम्मान केवल भाजपा करना जानती है। 4 दशक से वन रैंक वन पेंशन की मांग कांग्रेस पूरी नहीं की है। डॉक्टर भसीन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय सेना के उपकरणों की खरीद में बड़ी घपलेबाजी की गई और अब मोदी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के रूप में काम कर रही है। कांग्रेस द्वारा दिखावे के लिए सैनिकों के सम्मान के लिए जो यात्रा निकाली जा रही है वो केवल एक चुनावी शगुफा है, ढकोसला है, जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने हमेशा सेना सैनिकों का अपमान किया है। और ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जो हमारे सामने हैं कि जब उन्होंने सैनिक अधिकारियों के प्रति भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। कांग्रेस सम्मान सैनिक सम्मान की बात करते हैं तो अपने आप में ये क्रूर मजाक लगता है, लेकिन ये भी सच है कि उत्तराखंड के पूर्व सैनिक कांग्रेस के किसी ऐसे दिखावे में छलावे में आने वाले नहीं हैं। वे जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रांत की सरकारें वो सैनिकों के हित सम्मान और कल्याण के प्रति कटिबद्ध हैं। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संयोजक मनोज पाठक ने आज कालाढूंगी विधानसभा के रामपुर ग्राम सभाओं में पीएम के आगमन की तैयारी की जा रही है। आगमन 30 दिसंबर को होने वाला है और इसी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। बता दें कि इसी के लिए मातृशक्ति को ग्रामवासियों से जनसंवाद कार्यक्रम कर लोगों को जानकारी दी गई। आज चकलुआ क्षेत्र के रामपुर और बिद्रामपुर क्षेत्र के निवासियों को आगामी मोदी जी के 30 तारीख को हल्द्वानी आगमन पर सबको निमंत्रण दिया और उत्तराखंड के विकास के लिए भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जितने काम किए हैं उनके लिए धन्यवाद, और जो लोकार्पित कर योजनाओं को समर्पित करने वाले हैं उन सब के बारे में जानकारी दी और बहुत लोग उत्साहित हैं मोदी जी के आगमन पर।
सब लोग। सितारगंज में उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खनन क्षेत्र में छापे मार कर उप जिलाधिकारी तुषार सैनी और तहसीलदार ने 8 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज कर दी है। एसडीएफ तुषार सैनी और तहसीलदार शुभांगिनी ने अवैध खनन के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया है। प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मच गया है। कार्रवाई चली है लगभग शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक चली है और इसमें हमने 8 वाहन हैं उस जो हमने सीज किए हैं और कल 2 वाहन दिन में हमने सीज किए थे। इसमें लगभग 6 वाहनों के पास रॉयल्टी नहीं है और 4 के पास भारी मात्रा में जो है वो आरबीएम भरा है जो कि उसकी कैपेसिटी से लगभग दुगुना है और सभी में जो है जुर्माना हम आधिकारित कर रहे हैं। भाद्रबाद के विधानसभा ज्वालापुर में भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह मौजूद रहे, जिसमें सभी कांग्रेसियों ने पुष्पमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। जिस सरकार को उत्तराखंड के लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत देकर सरकार बनाने का अवसर दिया था, उन लोगों ने लगातार जनविरोधी निर्णय लेने का काम किया। आज किसान भी हताश निराश है, नौजवान भी हताश और निराश है, महंगाई अपने चरम पर है और 100 दिन के अंदर जो है लोकायुक्त लाने की बात कही थी, लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। भू कानून को ध्वस्त करने का काम किया है, तीर्थ पुरोहित भी सड़कों पर संघर्ष करने के लिए काम करते रहे, गरीब व्यक्ति का जीना दुर्लभ हो गया है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध हैं, कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरह अक्षम साबित हुई है, बहुत सारी लंबी चौड़ी फेरिस्त है। लोगों को जो है निश्चित रूप से इस सरकार पर अब विश्वास नहीं रह गया है, वो कांग्रेस की ओर आशा भरी निगाह से देख रहे हैं और पर्यटन यात्रा में जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिला, हम कह सकते हैं कि 2022 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से इस सूबे के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये भाजपा हटाओ महंगाई, भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ का प्रोग्राम था। इसमें बहुत ही भारी संख्या में विधानसभा ज्वालापुर से बहुत से बड़ी संख्या में साथियों ने, मेरे साथियों ने इसमें सहयोग किया और यहाँ से एक आगाज हुआ। भाजपा की विदाई अब तय है, भाजपा से जनता त्रस्त हो चुकी है, महंगाई जोरों शोरों पर है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस रैली के द्वारा हम एक संदेश देना चाहते हैं कि भाजपा की। वही अब खबर लक्सर से है, जहां पर पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार लक्सर में जनसंवाद करेंगे। इसके अलावा वो बढ़ती समस्याओं पर लोगों से सुझाव लेंगे और लक्सर में बढ़ती समस्याओं को भी जानने की कोशिश करेंगे। डीजीपी पुलिस और पब्लिक के बीच समन्वय पैदा करने की कोशिश भी करेंगे। नगरपालिका में शामिल करने की मांग को लेकर कृष्णानगर और खांड गांव के निवासियों ने शहर में जन अधिकार रैली निकाली। ऋषिकेश में इस दौरान तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी मांग को लेकर जायज ठहराते हुए रैली में हिस्सा लिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कॉलोनी में निवासियों ने आरोप लगाया कि सरकार कॉलोनी के निवासियों को केवल वोट बैंक के रूप में प्रयोग कर रही है, चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। पिछले 2 महीने से त्रिवेणी घाट पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, बावजूद इसके किसी भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं देकर साबित कर दिया है कि चुनाव के समय कॉलोनी के निवासियों से किए जाने वाले वादे केवल कोरे हैं। धरने के 66 दिन हो गए, आज हमारी रैली निकल रही है और हम इस आंदोलन को तेज करने के प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा मांग पूरा नहीं हुआ, नगर निगम में शामिल नहीं हुआ, इस बार इस विधानसभा चुनाव में खेला हो गए, बस ये हमने तय कर रखा। रुड़की में जिला हरिद्वार में हुई भारतीय पत्रकार संघ की जिला स्तरीय बैठक में बतौर अधिकारी पहुंचे झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने पत्रकारों के हित में बड़ी घोषणा की। घोषणाएं करते हुए रुड़की, झबरेड़ा और मंगलौर में प्रेस भवन बनाने के लिए 10-10 लाख रुपए की राशि देने का वादा किया। उन्होंने कहा अगर पत्रकारों को प्रेस भवन बनाने के लिए कोई जगह नहीं मिले तो वो अपने पैसे से प्रेस भवन के लिए जगह खरीद कर 25 लाख रुपए की लागत से भव्य प्रेस भवन बनवाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि वो भी पत्रकार हैं और लगातार पत्रकार भाइयों की समस्या को विधानसभा में उठाते हैं और आगे भी पत्रकार भाइयों के सुख दुख में दिन रात खड़े हैं। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे रुड़की के भाजपा नेता
वैद्य टेक वल्लभ ने खीर अवध खीर औषधि का कार्यक्रम में पहुंचने लोगों को वितरण किया। देखिए आज भारतीय पत्रकार संघ उत्तराखंड के पत्रकार बंधुओं का ये प्रदेश स्तरीय सम्मेलन था जिसमें मुझे बुलाया गया, इसके लिए मैं पत्रकार संघ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो डिमांड पत्रकार संघ ने अपनी सुरक्षा की और सुरक्षा की जिम्मेदारी की, बीमे की, जितनी भी चीज़ें जो अपनी सहूलियतें जो मिलनी चाहिए कोरोना वायरस के प्रोत्साहन के बारे में, वो सारी चीज़ें जो मेरे सामने रखी है, मैंने कहा है कि हम एक प्रतिनिधिमंडल, भारतीय पत्रकार संघ का एक प्रतिनिधिमंडल, मैं स्वयं उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूँगा और जो भी मांगे हैं उन मांगों को पूरी कराने की कोशिश करूँगा। भारतीय पत्रकार संघ उत्तराखंड का ये सम्मेलन, और इसमें मैं इस नाते से आप सबके प्रेम से आऊँ कि भारतीय संस्कृति में आप सब जो पत्रकार हैं वो ऋषि पुत्र हैं, नारद ऋषि पुत्र हैं। तो आज इनके सम्मान में हमने ये औषधि खीर भोजन के साथ रखी है। ये जड़ी बूटियों की खीर है जो विशेष तौर से पूर्णिमा बनाई जाती है, और दैवयोग है आज पूर्णिमा है। और तो आज पत्रकारों के सम्मान में, अपने भाइयों के सम्मान में हमने ये इनको सबको खीर सेवन कराएंगे। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता वर्धक है और सर्दी और कफ से होने वाले रोगों से बचाव भी करती है, और उनमें जिसको है तो उसको लाभ भी। हरिद्वार की विधानसभा ज्वालापुर के गांव पंचपुरी गड़मीरपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ अभियान के तहत विशाल जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार कुछ भी कर सकती है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों के बदलने का सिलसिला लगातार जारी है और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। इस सरकार को उत्तराखंड के लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत देकर सरकार बनाने का अवसर दिया था। उन लोगों ने लगातार जनविरोधी निर्णय लेने का काम किया। खबर कलियर से है जहां विश्व अल्पसंख्यक दिवस के मौके पर पिराद कलियर हज हाउस सभागार में ऑल इंडियन वक्फ वेलफेयर फोरम के तत्वाधान में वक्फ बोर्ड की संपत्ति बचाओ संबंधित मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री शमीम आलम ने कहा कि वक्फ बोर्ड दरगाह कलियर समेत अन्य जगह की दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान और वक्फ की सभी संपत्तियों को बचाने के लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वहीं ऑल इंडिया वक्फ वेलफेयर फोरम के अध्यक्ष जावेद अहमद ने कहा कि लंबे समय से वक्फ की संपत्ति का सर्वे नहीं हुआ है, जिस वजह से वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे करने का काम भूमाफिया कर रहे हैं। बादशाह शाहजहां ने सानिर साहब को दिया था वो पूरा क्लियर है। उसके अलावा और भी बिजनौर में भी है और जगह भी बहुत जमीन है, तकरीबन कोई 5000 बीघा इसकी जमीन है। लेकिन अल्मोड़ा को सांस्कृतिक नगर कहा जाता है, लेकिन इन दिनों अल्मोड़ा में प्रवेश द्वार लोधिया में अवैध रूप से मिट्टी डालने का काम धड़ल्ले से चल रहा है, जहां प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बावजूद कुछ लोग रात के अंधेरे में अवैध रूप से मिट्टी डाल रहे हैं, जिससे सड़क के दोनों ओर मिट्टी का ढेर लग चुका है। और यही नहीं जगह जगह मिट्टी का ढेर लगने से सड़क दुर्घटना का खतरा भी बढ़ चुका है। इस संबंध में अधिकारियों ने कार्रवाई के निर्देश तो दिए हैं, लेकिन ये निर्देश बैठकों तक सीमित रह चुके हैं। मैं मेरी अभी इंस्पेक्टर साहब से भी बात हुई है और आप ही के माध्यम से हमको सूचना भी मिली है इस संबंध में, तो हम रात के लिए भी टीम बना रहे हैं और पुलिस को भी बता दिया है कि वहाँ लगातार रात में भी दिन में भी गश्त रहेगी, और जो भी इस तरह की का काम कर रहा है, जो ये अवैध काम कर रहा है उसे। विधानसभा ज्वालापुर के गांव गड़मीरपुर में 5 साल बीत जाने के बाद भी संपर्क मार्ग खस्ता हाल पड़ा हुआ है। आज जब प्राइम टीवी की टीम पहुंची तो वहां पर पानी की निकासी नहीं होने के कारण सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिसकी शिकायत करने के बावजूद कोई प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा है। आइए आपको दिखाते हैं गाँव की बेहाल हालत की तस्वीर। आज हम आपको दिखाते हैं प्राइम टीवी चैनल की टीम आज विधानसभा ज्वालापुर के गांव गड़बीरपुर में पहुंच चुकी है।
हम आपको दिखाना चाहते हैं कि 5 साल होने के बाद भी यहाँ पर इतनी गंदगी फैली हुई है। एक तरफ तो सरकार स्वच्छ अभियान चलाए हुए है, वहीं दूसरी ओर आपको दिखाते हैं कि यहाँ इस प्रकार इस तरह की गंदगी फैली हुई है कि यहाँ पर अनेक संक्रमण और खतरनाक बीमारियाँ होने का खतरा फैल रहा है। सरकार को देखते हैं कि इस 5 साल के बाद भी अब तक यहाँ पर कोई सुधार नहीं हो चुका है और फिर भी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम स्वच्छ अभियान चला रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह की गंदगी फैली हुई है। रामपाल सैनी, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि इस यहाँ किस प्रकार की गंदगी फैली हुई है। 5 साल देखने में देख आ रहे हैं, फिर भी देखो 5 सालों में सरकार द्वारा क्या यही विकास कर हो रहा है, जहाँ स्वच्छ अभियान और सभी अभियान के सरकार चंपावत के सीमांत टनकपुर महाविद्यालय में नमामि गंगे नदी उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को शास्त्रीय संगीत की जुगलबंदी देखने को मिली। इस दौरान महिला सशक्तिकरण पर्यावरण के लिए गुलमोहर गर्ल से मशहूर तनुजा जोशी और धीरज उपरेती को सम्मानित भी किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव इस समय पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसी के तहत एक सांस्कृतिक महफिल हमने आज यहाँ करी और कोशिश है कि किसी न किसी बहाने हर माध्यम से लोगों को जोड़ा जाए। और चूंकि शास्त्रीय संगीत एक पूरे विश्व में पुरातन और यहाँ का एक शास्त्र से जुड़ा हुआ भारतीय संगीत की अपनी महत्ता है, तो सबसे सुगम माध्यम भी होता है संगीत। वहीं अब खबर रुड़की से है, जहां BSM इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय भारत स्काउट एंड गाइड शिविर का समापन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं को सहयोग का भाव सिखाया गया। इस दौरान जिला कमिश्नर और BSM इंटर कॉलेज में प्रवक्ता डॉक्टर अनिल शर्मा ने बताया कि स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं को जनसेवक और जनसेवा बनाया जाता है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।